सब्जियाँ तो सबको पसंद होती है, पर क्या हो दोस्तों जब आपकी पसंदीदा सब्जी का गांव हो तो आप उसमें रहना चाहोगे या फिर वहाँ से भागना चाहोगे। चलिए जानते हैं। देश के किसी कोने में पगलापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहाँ के लोग आपस में मिलकर रहा करते और लड़ते झगड़ते भी थे। उस गांव की खास बात तो ये थी कि वहाँ गोभी की पैदावार बहुत अधिक थी। एक दिन झुमरी अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी उसका बेटा राजू आकर पूछता है, माँ क्या बना रहे हो आप? अरे ये भी कोई पूछने की बात है का? आज हम त्योहार खातिर गोभी के पराठे और गोभी का अचार और गोभी का चोखा बनाए हैं। जाओ माँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने गोभी का हलवा तो बनाया ही नहीं। अरे मेरे फूल गोभी जैसे बेटे, काहे नाराज होवत है? तोहरे लिए हमने गोभी पाक मिठाई भी तो बनाई है ना। राजू ये सुनकर खुश होते हुए बच्चों के साथ खेलने निकल जाता है। पगलापुर गांव के लोगों का मानसिक संतुलन तो ठीक था, पर गोभी का संतुलन तो खराब था। वहाँ गोभी की पैदावार बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहाँ लोग गोभी ही पहनते, गोभी ही खाते और गोभी के ही बने हुए घरों में रहा करते। उसी गांव में धनी राम नाम का एक जमींदार था, जिसने कि अपने बेटे मोहित को पढ़ने के लिए बचपन में ही शहर भेज दिया था। आज धनी राम बहुत खुश था, क्योंकि धनी राम का बेटा मोहित शहर से गांव वापस आ रहा था, जो कि शहर में एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। यू, ये क्या है मोहित? इतनी सारी गोभी, गोभी के घर, कपड़े, गोभी का झूला। अबे यार, मैं तो खुद इस गांव में बचपन के बाद अब आ रहा हूँ। चलो घर चलकर पिताजी से पूछते हैं। अब मोहित और आशा जैसे ही धनी राम के घर जाते हैं, धनी राम के नौकर दोनों को फूल गोभी की गोभी माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, जो कि बड़ी भारी थी। पिताजी ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? कौन है ये लड़की जो तेरे साथ आई है? जी, जी, जी पिताजी, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं आशा को आपसे मिलवाने ले आया। ये बदबू। इयो, ये बदबू। माफ करना, वो गोभी खाने से थोड़ी गैस हो गई थी। धनी राम को आशा पसंद आती है और वो दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे देता है और आशा धनी राम के घर में रहने लगती है। पर सबके गोभी के इस्तेमाल से अब उसे चिढ़ होने लगी थी और वो एक दिन मोहित से कहती है, मोहित मैं इतनी गोभी नहीं खा सकती, हम कैसे साइंटिस्ट हैं, हमें कुछ करना चाहिए, ये लोग तो गोभी के बिना मर जाएंगे और यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट गोभी। अरे आशा, हमको क्या ही लेना, हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर शहर चले जाएंगे, इतना क्या सोचना। मोहित ये बोलकर चला जाता है, लेकिन वहीं आशा भी बाहर घूमने निकल जाती है और वो देखती है कि धनी राम के घर काम करने वाली झुमरी अपने पल्लू में कुछ छुपाए ले जा रही थी और आशा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। हेलो मिस, क्या छुपा रही हो? बताओ बताओ, वरना मैं धनी राम अंकल को बता दूंगी। अरे ना ना मैम साहब, ही ना करना, वरना सेठ जी हम लोगों को गांव से निकलवा देंगे। वो हमारे मर्द ने शहर से डाक के जरिए हमारे लिए ये आम भिजाया है, इसी को छुपाए रहे। इस गांव में बस गोभी का ही इस्तेमाल होता है ना, बाकी खाने पर पाबंदी है। अब आप बताइए गोभी कब तक खाएं? हमरा गुलाब जैसा फिगर भी ये गोभी खा खा के गेंदा का बन गया है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप लोग गोभी खाते ही क्यों हो? हे गोभी मैया, ये क्या कह दिया आपने? हे गोभी मैया, इको माफ कर देना, इको समझ नहीं है, शहरी छोरी है। झुमरी ये बोलकर आशा को अपने घर में खींच कर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, मैडम ये मान्यता है कि एक गांव माँ सूखा पड़ा रहा और तब गोभी माता ने साक्षात प्रकट होकर गोभी उगाने का आशीर्वाद दिया, तब से ना ये गांव में गोभी ही उगत है, और आप ऐसे बोलेंगे तो गोभी माता का क्रोध हमें देखने को मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि गोभी पे हाथ से चली जाए। What rubbish? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको कोई और सब्जी इसी जमीन पर उगा के दिखाऊंगी। Wait and watch. Wait and watch?
बेट, हमरा बेट ये गोभी खाने से लगता है फिर से बढ़ गया है। गोभी के पराठे धनिक बंद करने पड़ेंगे। आशा अब वहाँ से चली आती है और ये सारी बात मोहित को आकर बताती है, जिसके बाद दोनों बिना किसी को बताए टमाटर के बीज मंगवाते हैं और उसे धनी राम के जमीन पर बो देते हैं, जहाँ कुछ दूरी पर गोभी भी उगी थी। दरअसल धनी राम को भी गोभी बहुत पसंद थी, या यूं कहें कि गोभी खा खा कर आदत हो गई थी। मोहित और आशा को जमीन में टमाटर के बीज बोते देखकर धनी राम शौक में आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो मूर्खो? जानते हो ना इस गांव पर गोभी माता का आशीर्वाद है। अगर कोई और सब्जी उगाई तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा, और हमारे गांव पर से अगर गोभी माता ने अपना आशीर्वाद हटा लिया तो हम क्या करेंगे? पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप हमें एक बार सब्जी उगाने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी आश्चर्यचकित हुआ तो तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। मोहित और आशा धनी राम की इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में जमीन पर टमाटर तो नहीं उगते पर जमीन के पास जो गोभी उगी थी वो भी खराब हो जाती है, जो कि धनी राम ने ही की थी। देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ, टमाटर तो उगा नहीं, हमारी गोभी की फसल भी बर्बाद हो गई। ये बदबू कहाँ से आ रही है? छी, हमसे आ रही है। वो आज सुबह गोभी के पराठे बड़े स्वाद लेकर खाए, इसलिए अब आज के बाद वादे अनुसार तुम लोग गांव में गोभी के अलावा कुछ उगाने की जिद नहीं करोगे, समझे तुम? धनी राम ये बोलकर चला जाता है और तभी बारिश का मौसम भी आता है। मोहित टहलते हुए बिरजू से मिलता है, जो कि उसके पिता के यहाँ काम करता था, और गोभी पर कीड़े लगे देखकर कहता है, अरे काका ये गोभी पर तो कीड़े लग गए हैं, अब आप इनका क्या करेंगे? अरे करना क्या है, कुछ जानवरों को खिला देंगे और कुछ फेंक देंगे। हम रोज गोभी खाते हैं और जो बच जाती है फेंक देते हैं। ओह ऐसी बात है, लेकिन ये तो फसलों का नुकसान है। अगर आप इतनी गोभी बर्बाद करते रहोगे तो ये कितना गलत है। आपने इस बारे में कोई कदम उठाने की कभी सोची नहीं क्या? क्या करें साहब, ये सब तो इस मिट्टी का करिश्मा है, बस गोभी की उपज देती है और गोभी खाकर ही हमारा गुजारा होता है। बिरजू ये बोलकर चला जाता है और मोहित कहता है, मिट्टी का करिश्मा, अरे हाँ याद आया, मिट्टी। मोहित ये बोलकर थोड़ी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में भर लेता है और उसे ये करते देखकर दूर से झुमरी कहती है, इस शहर के दोनों लोग बोराए गए हैं। एक मैडम है कि गोभी उगाने की मना करत है और इस साहब है कि जेब में मिट्टी भरत है। यार हमको का, हम तो चले अपने घर गोभी की खीर बनाने। मोहित शहर में अपने गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेज देता है और जब उसका परिणाम आता है तो खुशी से आशा को आकर बताता है, आशा देखो मैंने हमारी पगलापुर गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेजा था और वहां से ये खबर आई है। इसका मतलब तुम्हारे गांव की जमीन में वो मिनरल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं, जिससे तुम और भी ज्यादा तादाद में गोभी उगा सकते हो। हे भगवान, इसका मतलब अब तुम्हारे गांव वाले और भी गोभी खाएंगे। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है अगर हमारी शादी के बाद हमारे मुन्ना मुन्नी की जगह पत्ता गोभी और फूल गोभी हुए तो। क्या आशा कुछ भी सोचती हो, इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में कोई गोभी माता नहीं है, बल्कि हमारी जमीन में वो खनिज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गोभी की तादाद बहुत अच्छी है। अब हमें पूरे गांव वालों को इस बात का एहसास कराना होगा कि गांव वाले सिर्फ गोभी पर निर्भर रहकर अपना जीवन नहीं बिता सकते। मोहित और आशा ठान लेते हैं कि अब वो इस समस्या का समाधान करके रहेंगे, जिसकी शुरुआत आशा झुमरी के घर एक लाल साड़ी पहनकर जाकर करती है। झुमरी जी, मेरी लाल साड़ी तो देखिए इतनी बढ़िया लग रही है ना। पता है मेरे पास तो लाल, पीली, नीली सब रंग की साड़ी है, पर मुझ पर तो काला रंग ना ज्यादा जचता है। खैर आपको क्या पता, आप तो गोभी की साड़ी पहनती हैं, जो कि कभी भी कीड़े लग जाते होंगे। खैर मैं तो चली। झुमरी आशा की साड़ी देखकर जल भून जाती है, जिसके बाद वहीं मोहित भी पान खाते हुए धनी राम से कहता है, वाह क्या पान है, खाकर मजा आ गया, इसकी सुपारी, उसका कत्था। पिताजी आप तो पान भी गोभी के खाते होंगे ना? हाँ, तो क्या हुआ, गोभी हमारी शान है,
हाँ हाँ, जिससे हम सब परेशान हैं। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप खाओ गोभी, मैं तो चला। कुछ दिन में मैं और आशा शहर निकल जाएंगी और आप अपनी गोभी की दुनिया में ही रहना। मोहित जाते हुए एक पान टेबल पर रख जाता है, जिसे मोहित के जाते ही धनी राम खा लेता है। ओए होए होए होए, सालों बाद पान खाया है, वरना गोभी खा खा कर तो ऊब गए थे। एक दिन धनी राम हद से ज्यादा गोभी खाता है और उसे गैस का दर्द उठता है। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, इसीलिए मोहित उसे शहर के अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं। जी देखिए, आप गोभी ज्यादा खाते हैं, जिससे आपके शरीर में एसिड फ्लो बनता है, तो और सब्जियां भी खाइए। डॉक्टर के जाने के बाद धनी राम रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जब हमारे गांव में गोभी के अलावा कुछ उगता ही नहीं तो खाए क्या? धनी राम के बोलते ही आशा और मोहित एक कागज उसके हाथ में देते हैं। ये लो पिताजी, आपकी समस्या का समाधान। अब क्या मैं कागज खाऊं? नहीं अंकल, ये एक कंपनी है जो कि आपसे गोभी खरीदना चाहती है। आपके गांव की जमीन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से गोभी की तादाद ज्यादा होती है। अगर आप गोभी को बाहर के लोगों को सप्लाई करेंगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे और आप बाकी के सामान खरीद सकते हैं। हाँ पिताजी, हमें कभी भी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कल को हमारे गांव की फसल में गोभी की अच्छी तादाद ना हुई तो हमें दिक्कत आ सकती है, और आपको ही देखें तो सिर्फ गोभी खाने से कितनी परेशानी हो गई। हाँ मोहित, तुम ठीक कह रहे हो, हमने ही अपने दिमाग में गोभी माता का वहम बिठा लिया था। अब से हमारा गांव कभी भी गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। धनी राम जमींदार होने के नाते अपने पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब उनका गांव गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो लोग गोभी की खेती तो करेंगे, लेकिन उसका व्यापार बाकी शहरों में भी करेंगे, जिससे जो भी पैसे आएंगे वो उन पैसों से अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद सकेंगे। अब झुंडी नई नई साड़ियाँ पहनने लगती है, तो वही धनी राम अब नए नए पकवान खाकर कभी कभी गैस छोड़ दिया करता, और इस तरह पगलापुर गांव अब गोभी पर आश्रित नहीं रहता। गरीब लड़की का पत्तों का घर। मिश्री छोटी थी कि तभी उसने अपने माता पिता को खो दिया था। अब गरीबी की मार वो अकेली ही झेल रही थी। वो किरोरी मल के घर छोटा मोटा काम कर अपना गुजारा करती और उसी के घर में रहती। एक दिन वो किरोरी मल सेठ के घर साफ सफाई करने लगती है, और किरोरी मल दीवार पर लगे एक जाली को देखकर कहता है, ए लड़की, मुफ्त का खाने की आदत है क्या? क्यों साहब, मैंने क्या किया? यही तो दिक्कत है कि तू कुछ करके राजी नहीं। देख देख, दीवार पर जाला लगा है। पता भी है, घर में जाला लगने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। फिर तुझे तनख्वाह क्या तेरा बाप देगा? साहब, बाप पर क्यों जाते हो? मेरी हाइट छोटी है तो मेरा हाथ नहीं गया। काम के 100 रास्ते और आलस के 1000 बहाने। चुपचाप मेज पर चढ़ के साफ कर चल। मिश्री मेज सरकाकर उस पर चढ़ती तो है, लेकिन मेज पुराना था, वो चढ़ते ही टूट जाता है और मिश्री जमीन पर आ गिरती है। आ, मेरा पैर! किरोरी मेज के पास जाता है और कहता है, हाय मेरा मेज, तुझे पता है 25 साल पुराना था, आज तक तो नहीं टूटा, तेरे चढ़ते ही टूट गया। किरोरी मिश्री की चोटी पकड़कर बोलता है, निकल जा मेरे घर से, मनहूस कहीं की। साहब मैं कहाँ जाऊंगी? साहब मेरे पैसे तो दे दीजिए। और इस मेज के पैसे कौन देगा? चुप चाप निकलती है या डंडे मारूं? अब मिश्री भटकते हुए जंगल आ जाती है और खुद से बोलती है, सच में अब भागी हूँ मैं, माँ बाप भी मर गए और अब बेघर हो गई, मैं कहाँ जाऊँ? तभी तेज हवाएं चलने लगती है और बारिश का मौसम हो जाता है। वो देखती है कि एक गिलहरी ने खुद को एक पत्ते से ढक लिया है। ये देखकर वो कहती है, मुझसे सही तो ये गिलहरी है, ना मेरे पास तन ढकने को कपड़े हैं और ना सर ढकने को छत। मिश्री ने ये बोला था कि तभी तेज बारिश आती है। वो बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, लेकिन तेज हवा के झोंकों से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और उसे ठंड लगने लगती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। बारिश तो रुक गई, लेकिन मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे।
वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मिश्री ये बोलकर पेड़ के बड़े से पत्ते को देखती है और कड़ी मेहनत से उनसे अपने लिए पत्तों की ड्रेस बनाती है और पास में बहती नदी में खुद को देखकर कहती है, मजबूरी में इंसान क्या क्या रास्ते नहीं खोज लेता। किसी ने सोचा था कि मैं पत्तों की ड्रेस पहनूंगी। अब मिश्री जंगल में इधर उधर फैली लकड़ियों को जमा कर अपने लिए पत्तों का छोटा सा घर बनाती है और जंगल में रहने लगती है। जंगल में उसे कपड़े मिलते हैं, रहने को घर मिलता है। जंगल में ही मिलने वाले फलों और पत्तों को खाकर वो अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन उसे गंगू मिलता है जो कि जंगल के एक हरे भरे पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। ये पेड़ बढ़िया है, इसकी लकड़ी घर लेकर जाऊंगा। वैसे भी ठंड आ रही है, आग जलाने के काम आएगी और चूल्हे में भी तो लकड़ी लगती है। उसे देखकर मिश्री दूर से ही कहती है, सूखा पेड़ काटने की जगह हरा भरा पेड़ काट रहा है। इन पेड़ों ने मुझे सहारा दिया, खाना दिया, हवा दी, घर दिया और मैं इस मूर्ख को ये करने नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, आदिवासी होने का नाटक करती हूँ। मिश्री ये बोलकर जमीन की मिट्टी को अपने मुंह पर मलकर गुस्से से गंगू के पास जाकर कहती है, होना आला हो, होना होना होना, मारो मारो मो मो। अरे बाप रे, ये तो कोई आदिवासी लड़की जान पड़ती है। सुना है ये मांस खाते हैं, कहीं ये मुझे ना खा जाए। भाग गंगू यहाँ से। गंगू वहाँ से भाग जाता है और मिश्री खुश होती है। वहीं गंगू जैसे ही बिजली को जंगल के हादसे के बारे में बताता है तो बिजली एक के चार लगाकर ये बात गांव में फैला देती है और रामकिशन के पास जाकर कहती है, अरे भाई साहब क्या बताऊं, आदिवासियों का झुंड था जंगल में। मेरे पति को तो पतीले में आग पर तलने ही वाले थे, ये तो वो बाथरूम का बहाना बनाकर भागी है। बिजली शांता काकी को बताती है, अरे शांता काकी क्या बताऊं, वो लड़की राक्षस थी, वो भी तीन आंखों वाली। अरे का बात करत है बिजली, तीन आंखें? हाँ काकी, पत्तों के घर में रहती है और शेर वाला है उसने। अब ये बात घूमकर राजू के कानों में आती है, मुझे जाकर ये पत्तों के घर और ड्रेस वाली लड़की का राज पता लगाना होगा। राजू अब जंगल में जाता है और मिश्री उसे भी डराने की कोशिश करती है, होला होला हे हे, किंकि मारो मारो। चुप, मैं जानता हूँ तुम आदिवासी नहीं हो, क्या हो रहा है ये सब बताओगी? तुम मिश्री हो ना, मैंने किरोरी सेठ के घर तुमको काम करते देखा है। हाँ मैं मिश्री हूँ, दरअसल हुआ यूं कि। मिश्री उसे सब बताती है और राजू मिश्री को गांव में लेकर आता है और सब गांव वालों के आगे बोलता है, शर्म आनी चाहिए हमको, हमारे गांव की एक गरीब लड़की इतनी मजबूर हो गई कि उसको पत्तों के घर में रहना पड़ा, आदिवासियों की तरह कपड़े पहनने पड़े। अब से ये इसी गांव में रहेगी और हम सभी इसकी मदद करेंगे। हाँ राजू, हम भी अपने घर में अकेले ही रहते हैं, सारा दिन ये बुढ़िया अकेली पड़ी रहती है, हमरे साथ ही रह लेगी ये घर में। शांता के साथ अब मिश्री उसके घर में रहने लगती है, लेकिन परेशानियां भी टली नहीं थी क्योंकि मिश्री को तो पत्तों के घर में रहने की आदत थी, पत्ते पहनने की आदत थी। वो सोती तो घर में थी लेकिन नींद न आने पर वो किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाया करती। अरे राजू, कोई तो हल निकाल इस बात का, इस बच्ची को पत्तों के घरों में ही नींद आवत है। राजू कुछ देर सोचता है और जैसे ही रात में मिश्री पेड़ के नीचे सोने जाती है, वो पत्तों के आकार की नक्काशी उसके कमरे में कर देता है और वहाँ कुछ फल और फूल भी रख देता है। जब सुबह मिश्री घर आती है तो अपने कमरे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह राजू, ये घर तो बिल्कुल मेरे पत्तों के घर की तरह लग रहा है। मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाला तो पत्तों ने सहारा दिया, तब से पत्ते पहनने और पत्ते के घर में रहने की आदत है। नहीं, अभी तो कुछ और भी बाकी है, आ जाओ माला भाभी। राजू ये बोलता है और माला भाभी अपने हाथ में बहुत सी हरे रंग की ड्रेस लेकर आती है जिन पर पत्तों के डिजाइन थे। सुंदर पत्तों की सूट वाली ड्रेस, गाउन, पत्तों की प्रिंट की साड़ियाँ थी। ये देखकर मिश्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आपने एक अनाथ को इतना अपनापन दिया और मेरी मदद की। इस तरह गांव वाले मिश्री की मदद करते हैं, मिश्री के लिए एक अच्छे माहौल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, दर्द बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इसीलिए दिल खोल कर खुशियाँ बांटिए।